हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस फ्रॉम दी मी। और मैं आपको बेस्ट विशेस ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं 10 क्वेश्चन मात्र बताऊँगा जो कि अब शायद ना पढ़े हो तो एक बार जरूर देख ले। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की बात करें, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या? इसमें देखो यहाँ पे पिक्रिक अम्ल रहना चाहिए, पिक्रिक अम्ल ये सही होगा, ये होता है पिक्रिक अम्ल। फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम पिक्रिक अम्ल होगा। नेक्स्ट, स्याही में चमक लाने और उसे फैलने से रोकने के लिए मिलाते हैं गोंद, मिलाते हैं क्या? गोंद मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि स्याही में फिनॉल क्या करता है, तो स्याही को जल्दी सुखा। एक क्वेश्चन पूछता है लॉरिल एल्कोहल का सूत्र, तो याद रखना C12H25OH। ठीक है, ये होता है लॉरिल एल्कोहल का सूत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नाइट्रोजन के लहसुन परीक्षण में जो यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता है वह है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या है? बहुत सही आंसर है, नाइट्रोजन के लहसुन परीक्षण में जो यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता वह यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूमा विधि द्वारा की जाती है क्या? नाइट्रोजन गुणता की पहचान, नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान के लिए, या हाइड्रोजन की पहचान के लिए, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन की मात्रा की अनुमान के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, किसी एक त्रिबंध वाले यौगिक के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। एक त्रिबंध, त्रिबंध के लिए आपको पता है सीधे सीधे, ठीक है, त्रिबंध का सूत्र पूछा है आपसे, तो CnH2n-2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलो। मार्कोनिकाफ के नियमानुसार योग करने वाले अभिकर्मक का विद्युत अर्धक भाग उसी से योग करता है जिसमें s परमाणुओं की संख्या क्या होती है? क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? कम होती, मतलब जिसमें कम होती है उसी से जाके क्या करता है? योग करती है। नेक्स्ट, ये आपको मैंने बताया पॉलीथीन नामक, हाँ चलो, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त क्या होता है? एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, विच वन इज द राइट आंसर गाइस? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा एथिलीन होगा, प्लास्टिक नामक प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट, जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस था। तो साथियों ये रहे आपके बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, अपने माइंड में रख के जाइए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके जाओ और एग्ज़ाम को एंजॉय करो एक तरीके से, मतलब एकदम टेंशन मत लो, और जो आ रहा पहले उतना कर लो, जो नहीं आ रहा उसका भी तरीका मैंने बता रखा है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, और हाँ एक दूसरे को आप कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं ताकि एक दूसरे को भी आप विशेष दे दें, जैसे आपके दोस्त, आपके सहयोगी, आपके सहपाठी, आपके साथी, उन्हें एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं ऑल द बेस्ट, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए तो फाइनली ऑल द बेस्ट है, जाइए आप इस क्वेश्चन को तैयार करके ऑल द बेस्ट। ठीक है।